दिवाली कब है? 2023 में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त, अष्टमी तिथि कब थी, दिनवा तारीख? दिवाली सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसकी पूजा बहुत ध्यान से की जाती है। दिवाली 2023 कब है? कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इसका कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 12 नवंबर 2023 की दोपहर 2:44 पर शुरू हो रही है और इसका समापन अगले दिन 13 नवंबर सोमवार की दोपहर 2:56 पर खत्म होगा। और दिवाली 12 नवंबर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापनी अमावस्या को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी ने गणेश जी की पूजा की थी। इस साल दिवाली पर्व 12 नवंबर को मनाया जाएगा। दिवाली का शुभ मुहूर्त है 2023 में दिवाली का पर्व 12 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर दोपहर 2:44 पर। अमावस्या की तिथि समाप्त होगी 13 नवंबर 2:56 दोपहर को होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 12 नवंबर 5:49 पे, यानी कि 1:49 शाम को 7:35 तक खत्म होगी। प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त होगा शाम 5:29 से शाम 8:08 तक होगा। वृषभ काल समय होगा शाम 5:39 से लेके 7:35 तक हो। आइए चलिए जानते हैं लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करते हैं और क्या क्या सामान रखना चाहिए और कैसे कलश की स्थापना करनी चाहिए। आइए करते हैं पूजा विधि। आप सभी को नवनीत स्टार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवनीत कौर। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली कब है और कैसे मनाई जाती है, उसकी पूजा विधि क्या है और क्या क्या सामान रखा जाता है और कैसे आरती करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, आपको ये सब वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। आइए चलिए जानते हैं दीपावली की पूजा विधि। पहले आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। एक चौकी लगा दीजिए, उत्तर दिशा में रखते हैं। चौकी इस प्रकार रखिए जहाँ पर पूजा की स्थापना करनी है, उत्तर दिशा में रखिए। उस पर लाल वस्त्र बिछाइए, कलश की स्थापना करिए। कलश की स्थापना करना जरूरी होता है। लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी पूजा होती है। दीपावली के अवसर पर कलश बनाने के लिए अष्टदल कमल बना लीजिए। चावल को हल्दी लगाकर कलश के नीचे रख दीजिए और उसके बाद किसी भी धातु का कलश ले लीजिए, पीतल का कोई भी हो। उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए, उसकी गांठ पर मौली बांध दीजिए और उसमें शुद्ध गंगा जल डाल दीजिए कंठ तक। और कमल का फूल माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है। शुद्ध जल डालकर ही उसमें कमल का फूल और कमल के गट्टे, एक कौड़ी, सिक्का, इलायची, लौंग, पान का पत्ता, आम का पत्ता, गोमती चक्र, हल्दी, सरपुष्प, एक सुपारी या सर्व औषधि भी डाल सकते हैं। एक अक्षरधाम या दुर्वा भी डाल सकते हैं और फिर 7 प्रकार की मिट्टी भी डाल सकते हैं अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है तो। इसमें आप पंचकुला और आम के पत्ते भी डाल सकते हैं और इस तरह कलश की स्थापना की जाती है। आम के पत्तों पर एक अच्छे से टीका लगाकर फिर उसके बाद ही कलश में डालना। पूजा का समय शाम को प्रदोष काल में होता है। शुभ मुहूर्त देखा जाए तो अच्छे प्रदोष काल में ही होता है, शुभ मुहूर्त देख के ही किया जाता है। और अच्छे से स्नान करके खुद को शुद्धिकरण करके फिर उसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर और पूजा करें। काले और नीले वस्त्र ना पहने और इससे अच्छे पूजा करें। और उसके बाद आप एक छोटी सी प्लेट लेकर उसमें चावल भर कर रखिए कलश के ऊपर। और उसके बाद आप अनाज भी रख सकते हैं अगर चावल नहीं रखने तो उसके। और उसमें प्लेट के ऊपर एक नारियल लेकर प्लेट के ऊपर एक नारियल रखना है। एक नारियल लेकर उसमें माता रानी का चुन्नी बांध दीजिए, लपेट दीजिए और उसके बाद आपको टिक्का लगाकर कलावल करके रख देना है। नारियल का मुख पूजा की ओर रखना चाहिए, उत्तर दिशा में होना चाहिए। यदि आपकी मूर्ति धातु की है या धातु की है तो आप एक प्लेट में मूर्ति रख के गंगा जल से पंचामृत कर दीजिए। पंचामृत भी कर सकते हैं, गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। यदि आपकी मूर्ति मिट्टी की है तो आप जल के छींटे मारकर भी कर सकते हैं या फोटो या कोई भी। और आप
सोना चांदी धातु कोई भी आप सामान लेके आए हैं तो मूर्ति के पास रख दीजिए सारा सामान जैसे, और उसके बाद आप कौड़ी गट्टे कमल गट्टे सब एक पोटली में बांध के रख दीजिए, और गोमती चक्र भी बीच में रख दीजिए। आप एक दीपक रख सकते हैं, तुलसी का छोटा सा गमला भी रख सकते हैं, और स्थान पर देसी घी का दीपक प्रकट कर सकते हैं। और उसके बाद आप महालक्ष्मी जी का नाम लेते हुए, उसके बाद हम जल के छींटे देते हैं, महालक्ष्मी जी का नाम लेते हुए स्नान करके ही पूजा करके अपने ऊपर भी छींटे दे सकते हैं। और उसके बाद अष्ट पुष्प लेकर हाथ में लेकर माता लक्ष्मी जी का आह्वान करेंगे, सभी देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, हाथ में लेकर प्रार्थना करेंगे कि हमारा पूजन स्वीकार करें। इस प्रकार आप अष्ट पुष्प हाथ के ऊपर से घुमा करके, हाथ से ही घुमा कर अष्ट पुष्प छोड़ दें। कलवा भी सभी को अर्पित कर देंगे, सभी परिवार के सदस्य को कलवा हाथ में बांध दे, पूजा कर ले, सभी परिवार देवी देवता माता जी को भी सभी को कलवा दे दे, रख दे वहाँ पे। और कलवा करके सभी मूर्तियों को टिक्का लगाएं, और चंदन की टिक्का लगाएं कल लगा कर, और उसके बाद आप झाड़ू भी रख सकते हैं या कोई खिलौना या कुछ भी लेके आया सब रख सकते हैं। और आप नवग्रह पुष्प जो भी पुष्प लाए हैं सब रख दें। मूर्ति के पास माता को कमल का फूल या गुलाब जरूरी अर्पित करें, माता जी को कमल का फूल बहुत पसंद है। और उसके बाद आप माता जी का सुहाग का सामान अर्पित कर सकते हैं, चुन्नी सिंदूर वगैरह जो भी आप सामान लाए हैं वो माता जी को अर्पित करें। पहले माता जी को सामने दिखा करके अर्पित करें, उसके बाद आप सात प्रकार के सप्तर धान अर्पित करें, जैसे धनिया वगैरह दालें वगैरह सब कुछ रख दें वहाँ पे माता जी के सामने रखते हैं। सात प्रकार की चीज़ें जो धनिया वगैरह है, और आप मिठाई भी रख सकते हैं और खिल पताशे बताशे भी रख सकते हैं, उसके सात प्रकार के भी, कोई भी रख दें। और इस प्रकार आप इत्र जरूर अर्पित करें, इत्र लगाएं सभी मूर्तियों पर। उसके बाद माता को अंत में पान के पत्ते पर भी लौंग इलायची वगैरह सुपारी बताशा अर्पित कर दें। और पर और आप कुमकुम एक कुमकुम और हल्दी जरूर अर्पित करें। एक थाली में छोटी सी कटोरी में आप हल्दी और कुमकुम भी रख सकते हैं। आप दिए की थाली तैयार कर लो, उसमें पांच दिए देसी घी के बनाकर रख दें, बाद में जला सकते हैं। बाकी सरसों के तेल के दिए जलाए जाते हैं उस, और आप हाथ में अष्ट पुष्प लेकर माता जी की कथा करिएगा। उसके बाद आप महालक्ष्मी जी की जी को भी कपूर से आरती कर सकते हैं, गणेश जी सरस्वती कोई भी आप आरती करना चाहते कर सकते हैं। बाद में आप क्षमा प्रार्थना जरूर करेंगे। उसके बाद आप कमल गट्टे से हवन जरूर करिएगा, कमल गट्टे देसी घी डाल के ही आहुति करिए, जैसे आप मंत्र पढ़ते ही आहुति करनी चाहिए। उसके बाद आप अमावस्या का दिन होता क्योंकि अमावस्या का दिन होता है, और खीर भी डाल सकते हैं, मंत्र बोल के आहुति दीजिए, हवन करिए। और उसके बाद आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना। बाकी वीडियो मैं अभी और डालूंगी उसके बाद दिवाली की, तो प्लीज़ देखना ना भूलें। अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, प्लीज़ मेरी वीडियो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।